स्टूडेंट, हम लोग बुंदेलखंड में जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक 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 इस मान के लिए 7 + 3x, 3x² - 7x + 1 का बुंदेलखंड होगा। मतलब a का इसमें अज्ञात राशि a है, a का क्या मान रखेंगे कि 7 + 3x इसका बुंदेलखंड होगा। तो इसने मान लिया कि 7 + 3x = 0, 7 + 3x = 0, इसलिए 3x = -7 या x = -7/3। अब x का मान -7/3 है, इस समीकरण को पद में रखेंगे 3x² - 7x + a में रखने पर, तो 3 हो गया, यहाँ हो गया माइनस एक्स के जगह पर आप -7/3 लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर है -7 - -7/3 + a = 0। इसलिए अब 3 से यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 / 3 दिया 9, अब 3 से 9 कट जाएगा, ये 3 बार तो 49 / 3 हो गया, इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 49 / 3 + a = 0। इसका एलसीएम 3 हो गया, तो 3 हो गया 49 + 49 + a = 0 या 98/3 + a = 0, इसलिए a = -98/3। मतलब a का मान -98/3 रखेंगे तो ये एक तो बुंदेलखंड होगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लंबी विधि द्वारा भाग देकर दिखाएं कि x + 1 बहुपद x + 1 का एक बुंदेलखंड। इसके पहले तुम लोग बुंदेलखंड प्रमेय से पढ़ी थी, अब उस तरह से नहीं है, इसको भाग देकर के देखना है। तो x + 1 से x + 1 में भाग देंगे, भाग देने का नियम है कि इसका पहला पद को क्या चीज से गुना करेंगे कि इसका पहला पद है, x से क्या चीज में गुना करेंगे कि x की बाहर है, x में x² से गुना करेंगे तो x की होगा। तो यहाँ x² लिख दिए भागफल के जगह पर, और x में x² से गुना करेंगे तो x की, और x² से 1 में गुना करेंगे तो +x². तो इसका चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया, बच गया x² - 1। तो माइनस x² + 1, तो -x² + 1। अब हमको -x² लाना है, तो x में क्या चीज से गुना करेंगे कि -x² आ जाए, तो ध्यान रखना -x से गुना करेंगे x में तो हो गया -x² पर, और -x से 1 में गुना करेंगे तो -x हो गया। अब ये -x² + 1 है, ये -x² - x हो गया, चीन चेंज किए, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए, दोनों कैंसिल हो गया, अब हो गया यहाँ पर +x + 1, अब एक बार में जाएगा, एक बार में इससे गुना करेंगे तो x + 1 आ गया, चीन चेंज किए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कट गया, यहाँ 0 हो गया, सक्सेसफुल 0 है, अतः x + 1 x + 1 का बुंदेलखंड है। यदि सक्सेसफुल 0 नहीं आता तो बुंदेलखंड नहीं होता। भाग विधि से हम देख करके या उस सेषफल विधि से भी तुम लोग पढ़िए कि यदि सेषफल 0 आ जाता है तो बुंदेलखंड होता है, यहाँ सेषफल 0 आ गया, इसलिए x + 1 x³ + 1 का बुंदेलखंड है। थैंक यू।